आपको भी ई लाइब्रेरी का विजिट करवाते हैं। काफ़ी जो डाटा हमने वहाँ से कलेक्ट किया, मतलब यहाँ पर आकर आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिले हैं। जी, तो यहाँ पर एक और फीमेल मौजूद है, आइए हम इनसे भी जानते हैं। कैसी हैं आप? जी, आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? जी, सेम हेयर में है। कंप्यूटर के बारे में एमएस वर्ड का पता नहीं था इतना कि मतलब उसमें कौन से ऑप्शंस होते हैं, तो सोचा कि उस पर थोड़ा सा काम किया जाए, तो इस वजह से एमएस वर्ड पे कर रही हूँ प्रैक्टिस। और जो फीमेल यहाँ पे आना चाहती हैं, आप उनको क्या पैगाम देना पसंद करेंगे? मैं यही कहूँगी कि लाइब्रेरी एक अच्छा फोरम होता है जहाँ पर आप आराम से स्टडी कर सकते हो अपनी बैठ के, तो और यहाँ पर कंप्यूटर्स भी, जैसे कि ई लाइब्रेरी है, तो ये अच्छा फोरम है जहाँ आप अपना मतलब एमएस वर्ड सीख सकते हो, पढ़ सकते हो, बट अगर जो भी करना चाहो आप कर सकते हो। तो एक अच्छा एक गवर्नमेंट का है फोरम है जहाँ आप आ सकते हैं। जी, तो नाज़रीन अब हम जेंट्स कंप्यूटर लैब में विजिट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? काम कर रहा हूँ, ये लाइब्रेरी ज्वाइन की है, मेरी बहुत इंफॉर्मेशन में इजाफा हुआ है, तरीन के हिसाब से भी और पर्सनल हिसाब से भी। तो ये जो ये हमारे कोर्स करवा रहे हैं, फ्री करवा रहे हैं लाइब्रेरी वाले, ये बाहर फिर बाहर बहुत ज़्यादा है, इनके पैसे हैं, बाहर फीसें हैं, बच्चे नहीं अफोर्ड कर सकते, इनको लैंग्वेज फ्री करवाई जा रही है, इंग्लिश लैंग्वेज फ्री करवाई जा रही है और कंप्यूटर के कोर्सेज और कोर्स भी फ्री करवाए जा रहे हैं। जी, तो नाज़रीन हम आगे बढ़ते हैं, एक और स्टूडेंट यहाँ पे मौजूद है, इनसे जानते हैं ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। जी, तो आप बताइएगा आप यहाँ पे क्या करने आते हैं? मैं इधर जब आता हूँ तो बाप का जो स्कूल में कुछ मुश्किल वर्क होता है, जिसका मैं इधर लेक्चर डाउनलोड करके वो देख लेता हूँ, उससे मेरा बहुत फ़ायदा होता है। उसके बाद इस्लामी नॉलेज थोड़ा बहुत, जिधर कोई जिस जगह पे मुझे कुछ मुश्किल महसूस हो रही है, वो आपने किसी अच्छे आलम से सुन लिया, उससे बहुत फ़ायदा हो रहा है मुझे। और स्टूडेंट्स को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि वो यहाँ पे आएँ? यहाँ पे कोई फीस चार्जेस भी होती हैं कि नहीं? तो इधर कोई फीस वगैरह नहीं है, बिल्कुल फ्री है, और इधर बहुत फ़ायदा होता है, जो भी स्टूडेंट्स आते हैं वो आके अच्छा इलम हासिल कर सकते हैं, सब कुछ ये बिल्कुल फ्री है। जी, तो नाज़रीन अब हम चलते हैं रीडिंग रूम में। ये यहाँ पे कुछ बुक्स मौजूद हैं, यहाँ पे मुताला होता है उन बुक्स का, लेकिन जहाँ बुक्स का मुताला होता है वहाँ पर कुछ खामोशी भी होती है। आइए हम चलते हैं, लेकिन खामोशी के साथ। जी, तो अब हम चलते हैं लाइब्रेरी के जो हेड हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, यहाँ के जो इंचार्ज हैं इब्राहिम वड़ैत, उनसे हम मिलते हैं, उनसे हम कुछ बातें करते हैं और उनसे कुछ पूछते हैं। आइए चलते हैं। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आप ई लाइब्रेरी ओकारा में इवेंट मुनक्कद कर रहे हैं, आप हमें इसके बारे में तफसीलात बताना चाहेंगे? ई लाइब्रेरी ओकारा दिसंबर 21, 22, 23 को एक मेगा बुक फेयर कंडक्ट करने जा रही है, जिसको इनॉग्रेट करेंगे जनाब कमिश्नर साहब और डिप्टी कमिश्नर साहब, जुमे को 10:30 बजे इंशाअल्लाह। और इस बुक फेयर में इस्लामाबाद से, लाहौर से पब्लिशर्स आ रहे हैं, जो डिस्काउंट रेट पे आवाम को, तलबा को, स्टूडेंट्स को, ओकारा यूनिवर्सिटी के और कॉलेजेस के बच्चों को जो है डिस्काउंट रेट पे किताबें देंगे। और इस इवेंट में कौन कौन लोग शिरकत कर सकते हैं, आप अपना रابطہ नंबर बता दें। इस बुक फेयर में बच्चे, सीनियर सिटीजन्स, ओकारा के लोग, लॉयर्स, कॉलेज स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, तमाम
पब्लिक जो है इसमें शामिल होगी ओकारा की। और कॉन्टैक्ट नंबर के हवाले से प्लीज़ नोट डाउन इट 0301-222-3280। ई लाइब्रेरी ओकारा के नाम से हमारा फेसबुक पेज है जिस पे हमारी एक्टिविटीज़ ई लाइब्रेरी ओकारा की शेयर होती रहती हैं। उस पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं और रब्ता कर सकते हैं। जी शुक्रिया आपका बहुत बहुत।